फ्रॉम द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट द वर्किंग ऑफ एंजाइम, बल्कि हम लोगों ने एंजाइम की वर्किंग जो है उसे कम्प्लीट कर लिया था, जिसमें हमने जो बाइंडिंग एनर्जी थी उसका रोल इन एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शंस एंड हाउ द बाइंडिंग एनर्जी इज गोइंग टू मेक अ पर्टिकुलर रिएक्शन फेवरेबल, इन पॉइंट्स को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. सो फ्रॉम नाउ ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द different types of parameters or factors which affect the enzyme activity. For example, the concentration effect of the change in concentration of substrate, effect of change in concentration of enzymes, temperature and pH. But keep one thing in mind ki jab bhi aap kisi factor ka effect check karna chahte hain on the enzyme activity, to uske liye aapko baki sare parameters ko constant rakhna hai. और सिर्फ एक पैरामीटर वन एंड ओनली जिसके इफेक्ट को आप उसमें चेंज को आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, लाइक आप टेम्परेचर में चेंज का इफेक्ट ऑन एंजाइम एक्टिविटी पे देखना चाह रहे हो, तो इस टाइम पे आपके बाकी सारे के सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट रहेंगे, ताकि सिर्फ और सिर्फ आप टेम्परेचर चेंज की वजह से जो एंजाइमेटिक रिएक्शन में चेंजेस आ रहे हैं उनको प्रिडिक्ट कर सको. सिमिलरली अगर आपने एंजाइम की कंसेंट्रेशन का इफेक्ट चेक करना है ऑन दी एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, तो उसके लिए आपको सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन को कांस्टेंट रखना होगा, टेम्परेचर पीएच और बाकी सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखना होगा, ताकि जो एंजाइमेटिक रिएक्शन में चेंज आ रहा हो हमें ये चीज श्योर हो कि ये सिर्फ एंजाइम में चेंज की वजह से आ रहा है, बिकॉज बाकी सारे पैरामीटर्स को हमने कॉन्स्टेंट रखा हुआ था. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द इंक्रीज और द डिक्रीज इन एंजाइम कंसेंट्रेशन, यानी एंजाइम की अपनी कंसेंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इस चीज को हम पहले स्टडी करेंगे. ऑब्वियसली वी ऑल नो कि अगर हमारे पास किसी टाइम किसी पर्टिकुलर मोमेंट में किसी केमिकल रिएक्शन में अमाउंट ऑफ एंजाइम लो होगी, तो केमिकल रिएक्शन का रेट भी कम होगा, बिकॉज इसमें आपके पास लेस एक्टिव साइट्स विल बी अवेलेबल टू कन्वर्ट द सब्सट्रेट्स इनटू द प्रोडक्ट. और जैसे जैसे आप उस केमिकल रिएक्शन में एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे, तो आपके पास ज्यादा एक्टिव साइट्स अवेलेबल होंगी जो कि रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते जाएंगे. सो वी कैन से दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एंजाइम कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन. जितना ज्यादा आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाओगे, उतना ज्यादा आपका जो रिएक्शन का रेट है वो भी इंक्रीज होता जाएगा. सो इन दोनों के दरमियान जो इफेक्ट है, जो आप रिलेशनशिप डेवलप करोगे, इट विल बी डायरेक्ट रिलेशनशिप. सिमिलरली जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, सेकंड पैरामीटर की तरफ अगर हम मूव करें कि ठीक है एंजाइम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, और उसके बाद हम जो है वो ग्राफ की तरफ मूव करते हैं. सो जस्ट लाइक द इंक्रीज इन द एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का भी आपके पास जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट होता है. लाइक इस चीज को डिस्कस करने से पहले अगर हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को मैं इस तरह से डिस्कस करूँ कि ये फाइल आप लोगों को शो हो रही होगी पेंट की, जिसमें आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देयर इज अ केमिकल रिएक्शन मिक्सचर है बेसिकली, जिसमें आपके पास एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो हाईलाइट किए गए हैं. These are the enzyme molecules, enzyme की active sites हैं, and this is the substrate molecule जो कि आपको red color में नजर आ रहा है. So at the start of reaction आप ये चीज observe कर रहे हैं कि जो enzyme है उसकी concentration ज्यादा है और substrate की concentration comparatively जो है वो क्या है, low है. So अगर आप इस enzyme concentration को constant रखें और इसके अंदर आप substrate की concentration को increase करते जाएं, for example 2.5 से 5% increase कर देते हो, तो आपके पास जितनी ज्यादा substrate को increase करते जाओगे उतना ज्यादा enzymatic reaction भी proceed होगा, because पहले अगर एक enzyme एक substrate के साथ interact करके उसको product में transform कर रहा था, तो अब यही reaction दो different active sites पे हो रहा है. सिमिलरली अगर आप रिएक्शन के अंदर इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को मजीद इंक्रीज करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस बनते जाएंगे, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे आके आपके सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड हो जाएंगे. यानी एक खास हद तक आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, जितनी सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर सकती थी वो बाइंड करके एंजाइम जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गई. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ गया जिसके ऊपर आपके पास जो एंजाइम था, जितना एंजाइम अवेलेबल था, वो सैचुरेट हो गया. यानी
उसकी जितनी भी एक्टिव साइट्स थी वो आपको पार्ट हैं, और मजीद अगर आप सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते भी जाओ यानी 40% पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो जितना एंजाइम यहाँ पे था हर मॉलिक्यूल के ऊपर सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। इट मीन्स कि आपका एंजाइम फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। तो चाहे आप सबस्ट्रेट को 40 से 50 पे ले जाओ, 50 से 60 पे ले जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सेम ही रहेगा, बिकॉज जितने मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम अवेलेबल थे वो सारे सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करके फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और मजीद जितना आप सबस्ट्रेट इंक्रीज करोगे उसका एंजाइमेटिक रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज जब तक ये एंजाइम फ्री नहीं होंगे, ये प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे इस बाउंड सबस्ट्रेट को, तब तक मजीद आप जितनी भी सबस्ट्रेट ऐड करते जाओ वो एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करने का पोटेंशियल नहीं रखती। सो इस पॉइंट को हम जो है वो नॉर्मली एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करें तो यू कैन सी कि आपके पास जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उसका इफेक्ट ऑन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी उसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर्मली। कि इनिशियली आपके पास जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, फॉर एग्जांपल दिस इज द रिएक्शन वेलोसिटी और रिएक्शन रेट, ये जो ग्राफ है आपके पास, इससे हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट चेक कर सकते हैं ऑन द रिएक्शन रेट या फिर रिएक्शन वेलोसिटी, कि किस तरह से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। सो इनिशियली एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व कि बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप इसको जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज करते जाएं, फॉर एग्जांपल 5% से 10% इंक्रीज करें, 10% से 15%, तो यू कैन ऑब्जर्व कि बाय इंक्रीजिंग, बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता जा रहा है। बट एक स्पेसिफिक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे जाके आपका जो रिएक्शन वेलोसिटी है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो मजीद इंक्रीज नहीं हो रहा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन स्टिल इंक्रीज होती जा रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 20% थी, थोड़ी देर बाद आपने इसको 40% किया, तो नो डाउट सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का एंजाइमेटिक रेट के ऊपर जो इफेक्ट है वो नहीं हो रहा। यानी यहाँ पे आके आपका जो एंजाइमेटिक रेट है वो जितना मैक्सिमम अचीव आप कर सकते थे वो हो चुका है, इससे मजीद उसका रेट इंक्रीज नहीं होगा। सो इस पॉइंट को आप कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट या वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन जिसको आप मजीद इंक्रीज नहीं कर सकते। और इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, इसकी रीजन क्या है कि यहाँ पर रिएक्शन रेट मजीद इंक्रीज नहीं हो रहा, जैसे भी मैंने आप लोगों को पीछे वाले डायग्राम में डिस्कस किया है कि चूंकि इस केस में जितने एंजाइम्स अवेलेबल थे उन सबकी एक्टिव साइट्स जो हैं वो ऑलरेडी सैचुरेट हैं, दे आर ऑक्यूपाइड विद द सबस्ट्रेट, फ्री एंजाइम अवेलेबल नहीं है, सो रिएक्शन रेट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। सो वी मैक्स या सैचुरेशन पॉइंट का आपको पता होना चाहिए, और जब भी आपसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइमेटिक एक्टिविटी पूछा जाए तो आपने ग्राफ की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट या ये वाला पॉइंट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके थ्रू यू कैन एक्सप्लेन दैट हमेशा इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज नहीं करती, इंक्रीज करती है बट अप टू अ सर्टेन पॉइंट, और एक खास पॉइंट पे आकर वो रुक जाती है, बिकॉज यहाँ पे फर्दर एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट फ्री टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट, दे हैव ऑलरेडी अ सबस्ट्रेट बाउंड टू देयर एक्टिव साइट और द बाइंडिंग साइट। सो ये दो पैरामीटर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट, लाइक वाइज एंजाइम कंसंट्रेशन का इफेक्ट। थर्ड वन इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पीएच, एंड वी ऑल नो कि जब भी हम पीएच या टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि देयर इज एन ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द पीएच, अगर आप ऑप्टिमम पीएच से जो है वो पीएच को कम करते हैं या ज्यादा करते हैं तो उससे बेसिकली एंजाइम को क्या फर्क पड़ता है। तो नाउ वी आर इन द कंडीशन टू कंक्लूड दिस पॉइंट कि नॉर्मली हमने इस चीज को डिफाइन कर लिया है कि जो एंजाइम का फंक्शनल रीजन है, जो एक्टिव साइट है, इट इज lined by the certain type of amino acids. और amino acids में there are groups which can undergo protonation and deprotonation depending upon the pH condition. So obviously अगर आप जो है वो enzyme, एक ऐसा enzyme जो कि pH 7 के ऊपर work करने का potential रखता है, उसके ऊपर उसके जो active site amino acid residues हैं वो एक खास जो है वो आप कह लें form के अंदर present है या उन पर एक खास किस्म का charge है, तो अगर आप पीएच को 7 से कम कर दोगे या 7 से ज्यादा कर दोगे तो उसकी वजह से जो एक्टिव साइट में अमाइनो एसिड्स हैं दे विल अंडरगो प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप
उसकी वजह से आपके जो एक्टिव साइट अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगे, और एक्टिव साइट का जो नॉर्मल फंक्शन है कि दे कैन बाइंड विद द सबस्ट्रेट वाय स्पेसिफिक इंटरेक्शन एंड दे कैन ब्रिंग अबाउट द कैटालिसिस, ये फंक्शन जो है ये डिसरप्ट हो जाएंगे। तो एक्टिव साइट आपकी जो है वो पीएच सेंसिटिव है, अगर उसमें आप पीएच का नॉर्मली किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन में पीएच को चेंज करते हो, तो इस पीएच का इफेक्ट क्या होता है कि ये एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकती है, और किस तरह से डिस्टर्ब करती है, वहां पे प्रेजेंट अमाइनो एसिड की प्रोटोनेशन या डी प्रोटोनेशन कराते। सो यू कैन ऑब्जर्व हेयर कि ऑप्टिमम पीएच के ऊपर एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, और जैसे ही आप पीएच को ऑप्टिमम पीएच से कम या वहां से ज्यादा करते थे, तो जो रिएक्शन की प्रोग्रेशन है या जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो डिक्रीज होना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे भी आपके पास जो प्लॉट है वो इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द पीएच एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इन इनके दरमियान आपने ग्राफ को प्लॉट करना है। वी नो कि हर एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम पीएच है वो दूसरे एंजाइम से डिफरेंट है। The fourth one is effect of the change in temperature. So temperature के लिए भी वही parameters हैं जो कि आपके पास पीछे उस केस में थे pH के केस में, कि normally आप initially जब temperature को increase करते हो तो temperature को increase करने से no doubt किसी भी chemical reaction का जो rate है वो increase होता है, because temperature increase करने का मकसद जो end effect है वो ये है कि molecules की kinetic energy increase होती है। एंड मॉलिक्यूल नॉर्मली कम क्लोज टूगेदर, और जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, इट मीन्स के चांसेस टू कन्वर्ट अ सब्सट्रेट इनटू द प्रोडक्ट ये भी इंक्रीज होते जाएंगे। सो एंजाइम्स के केस में आपके पास जो है वो एक खास हद तक टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। अगर आप उससे ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वी नो के लाइक अदर बायोमोलिक्यूल जो एंजाइम्स हैं दे आर ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर, और इनके अंदर भी जो है वो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो सकता है, बिकॉज इट इज टेम्परेचर सेंसिटिव। जो नॉर्मल बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स जो है वो डी नेचर हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनिज्म, लाइक देर आर सम ऑर्गेनिज्म जो कि जिनके एंजाइम्स इस तरह से जो है वो फोल्ड हुए हैं या जिनमें इस तरह से इंटरेक्शन डिवेलप हुई है कि वो 50 से 60 तक टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे तो बिकॉज दीज आर न्यूट्रोफिलिक ऑर्गेनिज्म तो ये उससे हाई टेम्परेचर को बियर नहीं कर सकते। सो ये हर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म उसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसमें प्रेजेंट एंजाइम्स जो है वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर के उसके ऊपर ये मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, और अगर टेम्परेचर उससे जो है वो आप आगे पीछे करोगे तो उसकी वजह से आपका जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट होगा। सो इन फोर पैरामीटर्स के बाद जो नेक्स्ट आपके पास है वो एंजाइम्स को रेगुलेट करना है, और इस क्वेश्चन को आप अपने तौर पे एड्रेस करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये मैं आपसे कहीं ना कहीं जरूर पूछूंगी, हो सकता है क्विज में पूछ लिया जाए या किसी नॉर्मल डिस्कशन में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों के ख्याल में किसी भी एंजाइम को रेगुलेट करने की जरूरत क्यों है, एंजाइमेटिक रेगुलेशन इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे जो है वो मींस ऑफ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स उनको डिस्कस करेंगे। आपके ख्याल में एंजाइम्स को रेगुलेट करना क्यों जरूरी है? नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए, गुड। यानी आपके पास अगर आप एंजाइम की बात करें तो बिकॉज ये बायोलॉजिकल सिस्टम में एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं, तो अगर आप इन एंजाइम्स को रेगुलेट नहीं करेंगे तो ये देर आर सम एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस की बात करती हूँ, अगर आप ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स को रेगुलेट नहीं करते इट मीन्स कि ये परमानेंटली एक्टिव रहेंगे, और जितना ग्लूकोज आप कंज्यूम कर रहे हैं ये हमेशा उससे एटीपी प्रोड्यूस करवा देंगे, यानी कभी भी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। सिमिलरली अगर आपके पास कोई और एंजाइम है जो कि खास किस्म का केमिकल रिएक्शन जो है उसको कैटलाइज करा रहा है, और वो केमिकल रिएक्शन जो है वो बॉडी को फॉर एग्जाम्पल उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आपने एंजाइम्स के थ्रू उस केमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करना है कि इस टाइम इस केमिकल रिएक्शन की बॉडी को ज़रूरत नहीं है, सो ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो आप बॉडी के अंदर जो नॉर्मल होम्योस्टेसिस है उस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए सर्टेन टाइम पे सर्टेन टाइम पीरियड के ऊपर देर आर द रिक्वायरमेंट्स के सम एंजाइम्स एक्टिवेट हो, एंड एट द सेम टाइम देर इज अ रिक्वायरमेंट कि आप देर आर सम अदर एंजाइम्स जिनको आपने सुप्रेस भी करना है, यानी आपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए सम एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कराना है
और सम एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कराना है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स और द कंडीशन ऑफ द बॉडी. सो अगर आप एंजाइम्स को रेगुलेट नहीं करेंगे तो ये नॉन स्पेसिफिकली सम केमिकल रिएक्शन को जो है वो कैटेलाइज कराते जाएंगे, जो कि बॉडी के लिए बिल्कुल एक वेस्टफुल प्रोसेस है. इसमें बेस्ट एग्जाम्पल वही आ जाएगी जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने ग्लाइकोलाइसिस की एग्जाम्पल को डिस्कस किया. सो इट मीन्स कि आपने किसी ना किसी तरह एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करना है ताकि जिस टाइम किसी एंजाइम की जरूरत है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे, और जब एंजाइमेटिक रिएक्शन को सुप्रेस करने की जरूरत है यानी इस टाइम आपको रिएक्शन रिक्वायर्ड नहीं है तो उस टाइम वो एंजाइम अपनी एक्टिविटी भी लूज कर दे यानी वो फंक्शन परफॉर्म ना करे. सो अब सबसे पहला जो आपके पास रेगुलेशन का मैकेनिज्म है, इन मैकेनिज्म्स को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कंपैरेटिवली आसान भी हैं लेकिन अगर आप इनमें जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अपने माइंड में क्लियर करते जाएंगे तो आपके लिए मजीद आसान होते जाएंगे. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट टाइप ऑफ रेगुलेशन इज एलोस्टेरिक रेगुलेशन. एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऐसे एंजाइम्स शो करते हैं जिनमें एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट प्रेजेंट होती है जिसको नॉर्मली हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट. यानी हर एंजाइम के ऊपर जो है वो एक्टिव साइट के अलावा दूसरी साइट प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ एलोस्टेरिक एंजाइम्स के ऊपर ये साइट प्रेजेंट होती. सो एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं? दीज आर द एंजाइम्स जिनमें एक्टिव साइट या सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के अलावा देर इज एन एडिशनल साइट जहाँ पे जाके कोई एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल, कोई इफेक्टर मॉलिक्यूल, कोई इनहिबिटर या एक्टिवेटर बाइंड कर सकते हैं और वो उस एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अभी इस डायग्राम को सिर्फ देखिएगा जो कि सेकंड में हाईलाइट की हुई है कि दिस इज एन एंजाइम और एंजाइम की नॉर्मल एक्टिव साइट ये है दिस वन जहाँ पे आके सबस्ट्रेट में बाइंड करना है और उसके बाद उसने प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म होना है. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं फर्स्ट में कि दिस इज द एंजाइम और एंजाइम में एक्टिव साइट वो पॉइंट है जहाँ पे जाके सबस्ट्रेट बाइंड कर रही है और प्रोडक्ट को रिलीज करिए. बट अपार्ट फ्रॉम द एक्टिव साइट यहाँ पे एक और भी साइट है जिसे हम ऑब्जर्व करें, दिस इज द एलोस्टेरिक साइट जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगी बल्कि सबस्ट्रेट के अलावा कोई इफेक्टर मॉलिक्यूल बाइंड करेगा. अब यहाँ पे मैं इफेक्टर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल को कह रही हूँ जो कि एंजाइमेटिक रिएक्शन को इफेक्ट करेगा, या तो उसको इंक्रीज करेगा या उसको डिक्रीज करेगा. दैट्स व्हाई मैं इस साइट को कह रही हूँ कि यहाँ पे आके बाइंड करने वाला मॉलिक्यूल इफेक्टर मॉलिक्यूल होगा. सेकेंड में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इफ द इफेक्टर मॉलिक्यूल इज रिप्रेसर, रिप्रेसर ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेस करता है या उसे शट डाउन करता है. अगर रिप्रेसर यहाँ पे जाके बाइंड करे तो आप ऑब्जर्व करें कि आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो किस तरह से सप्रेस होगा. रिप्रेसर की बाइंडिंग के बाद आपके एंजाइम ने शेप चेंज की है, एंजाइम की जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है उसने अपनी शेप ऐसी चेंज कर ली है कि अब वो एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करवा सकता. यानी एंजाइम की शेप ऐसी चेंज हो चुकी है कि इट इज नाउ नॉट कंपैटिबल विद द सबस्ट्रेट और ये उसके साथ बाइंड करके प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती. सो यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ द बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर विद द एंजाइम एट दिस स्टेप, थर्ड स्टेप, जिसमें रिप्रेसर जब बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो ये एंजाइम की कंफर्मेशन को इस तरह से चेंज कर देगा कि अब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर सकता और अगर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा इट मीन्स कि प्रोडक्ट नहीं बनेगी. सिमिलरली जो आपके पास इफेक्टर मॉलिक्यूल है इट कुड बी एन एक्टिवेटर. लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब एक्टिवेटर जो है वो इस साइट के साथ बाइंड करेगा विच इज द एलोस्टेरिक साइट तो ये एंजाइम के अंदर मजीद जो है वो चेंज लेके आएगा, कन्फर्मेशनल चेंज लेके आएगा जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो ऐसी फॉर्म एक्वायर करेगा जो कि सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकती है और बाइंड करने के बाद उसे प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकती है. सो वी कैन से देयर आर मेनी एंजाइम जिनमें एक्टिव साइट के अलावा एक एडिशनल साइट प्रेजेंट है जिसे हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं और इस साइट के थ्रू एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है. किस तरह से रेगुलेट किया जाता है कि अगर आपके पास जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है जब भी वो आके एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड करेगा तो वो एंजाइम के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस लेके आएगा, यानी एंजाइम के अंदर शेप को चेंज करेगा, उसकी शेप को चेंज करके वो उसकी सब्सट्रेट के साथ जो एक्टिविटी है उसे इंटरेक्शन जो है उसे डिटरमिन करेगा कि वो ज्यादा होंगी या कम होंगी. सो हमेशा एलोस्टेरिक रेगुलेशन में इस पॉइंट को जरूर माइंड में रखिएगा कि कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं यहाँ पे, यानी इफेक्टर मॉलिक्यूल जब भी आपके एंजाइम के साथ बाइंड करता है थ्रू द एलोस्टेरिक साइट
सो बाइंडिंग का इफेक्ट आप किस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं, आफ्टर बाइंडिंग देयर विल बी द कंफर्मेशनल चेंजेस। अगर तो आपके पास इफेक्टर मॉलिक्यूल पॉजिटिव इफेक्टर है, पॉजिटिव इफेक्टर मींस कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है, उसको इंक्रीज करेगा, तो इसकी वजह से एंजाइम की शेप इस तरह से चेंज हो जाएगी कि वो सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा एफिशिएंटली बाइंड करेगा और इस तरह के इफेक्टर मॉलिक्यूल को हम एक्टिवेटर कहेंगे। और अगर आपके पास जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है वो नेगेटिव इफेक्टर मॉलिक्यूल है तो इट विल चेंज द शेप ऑफ एंजाइम सो दैट इट कैन नॉट बाइंड विद द सबस्ट्रेट और अल्टीमेटली आप इस नेगेटिव इफेक्टर मॉलिक्यूल को रिप्रेसर कहेंगे। यानी वी कैन से कि आपके पास जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं उनकी एलोस्टेरिक साइड के ऊपर जो इफेक्टर बाइंड करता है ये इफेक्टर रिप्रेसर भी हो सकता है या एक्टिवेटर भी हो सकता है। अगर रिप्रेसर बाइंड करेगा तो एंजाइमेटिक रिएक्शन रुक जाएगा, वो मजीद प्रोसीड नहीं करेगा। और इसकी वजह क्या है, बिकॉज आफ्टर बाइंडिंग विद द रिप्रेसर द कंफर्मेशनल चेंजेस हैव चेंज्ड द शेप ऑफ द बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम और आप ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर आपके पास एक्टिवेटर मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो अगेन ये कंफर्मेशनल चेंजेस लेके आएगा एंड दिस टाइम द कंफर्मेशनल चेंजेस आर कंपेटिबल विद द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। सो यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट ज्यादा इजिली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो सारी के सारी यहाँ पे जो आप चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से है। सो यहाँ पे एलोस्टेरिक रेगुलेशन में जो कन्फर्मेशनल चेंजेस का पॉइंट है इसे अपने माइंड में जरूर रखिएगा। बच्चों इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि किस तरह से एलोस्टेरिक रेगुलेशन के थ्रू एंजाइमेटिक एक्टिविटी को मॉडुलेट किया जा सकता है या उसे चेंज किया जा सकता है। पॉइंट क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो है इट इज अबाउट द फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन को भी आप इसी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो एलोस्टेरिक रेगुलेशन। लाइक फीडबैक इनहिबिशन में आप नॉर्मली ये कहते हैं कि किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर जहाँ पे आपके पास मल्टीपल एंजाइमेटिक रिएक्शन मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर बेसिकली जहाँ पे मल्टीपल एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है दे आर लिंक्ड। फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम जो है वो एक सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है और उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, फिर उस सबस्ट्रेट को जो है वो सेकेंड एंजाइम यूज करता है, अगेन आपके पास जो है देयर इज अ थर्ड एंजाइम जो कि इस एंजाइमेटिक रिएक्शन में रिलीज होने वाली प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट यूज करता है। सो यू कैन सी हियर कि आपके पास थ्री एंजाइम्स हैं और हर एक एंजाइम जो है वो प्रीवियस एंजाइम से रिलीज होने वाली प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट यूज करते हुए जो फाइनल एंड प्रोडक्ट है उसे प्रोड्यूस कर देता है। तो मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर हमारे पास हमेशा सीरीज ऑफ एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस प्रेजेंट होते हैं और इसमें हमेशा जो आपके पास जो एंड प्रोडक्ट होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की वो इस पूरे के पूरे पाथवे में प्रेजेंट किसी एंजाइम को जो है वो इफेक्ट करती है। लाइक फीडबैक इनहिबिशन में हम नॉर्मली यही कहते हैं कि एंड प्रोडक्ट जो है वो किसी केमिकल पाथवे की वो आपका जो फर्स्ट एंजाइम है उसके साथ जाके बाइंड करती है और इस फर्स्ट एंजाइम की जो एफिनिटी है फॉर दी सबस्ट्रेट या उसकी जो उसके लिए नॉर्मल इंटरेक्शन है उसको डिक्रीज कर देती है, यानी एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। सो अगर पहला एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा इट मींस के सेकंड थर्ड एंजाइम्स को भी अपनी सबस्ट्रेट नहीं मिलेगी, बिकॉज इस रिएक्शन के लिए जब तक पहला इस पूरे के पूरे पाथवे के लिए जब तक पहला एंजाइम जो है वो रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करेगा सेकेंड और थर्ड एंजाइम भी अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकते। सो फीडबैक इनहिबिशन को भी आप जो है वो एलोस्टेरिक रेगुलेशन की कैटेगरी में जो है वो एज एन एग्जांपल कोड कर सकते हैं। सो फीडबैक इनहिबिशन और एलोस्टेरिक रिप्रेशन ये ऑलमोस्ट एक ही तरह की कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, बिकॉज यहाँ पे भी आप ये चीज ऑब्जर्व करें कि इस एंजाइम में जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल है जो एंड प्रोडक्ट है इस पाथवे की वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं कर रही बल्कि एक्टिव साइट के साथ एक एडिशनल साइट प्रेजेंट है जहाँ पे जाके ये प्रोडक्ट बाइंड करेगी। और अगेन यू कैन ऑब्जर्व हियर कि बाइंडिंग की वजह से देयर आर कन्फर्मेशनल चेंजेस। इन कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से जो एंजाइम की बाइंडिंग साइट है उसने अपनी शेप इस तरह से चेंज कर लिया कि नाउ इट कैन नॉट बाइंड विद द सबस्ट्रेट और अगर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगी इट मींस इट विल नॉट रिलीज द प्रोडक्ट और अगर प्रोडक्ट रिलीज नहीं हो रही होगी तो सेकेंड एंजाइम जो है उसका रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं होगा। सो फीडबैक इनहिबिशन इज अनदर टाइप ऑफ एलोस्टेरिक रेगुलेशन। जो सेकंड टाइप ऑफ रेगुलेशन है इट इज कोवलेंट रेगुलेशन। कोवलेंट रेगुलेशन में क्या होता है कि आप किसी एंजाइम की एक्टिविटी को मॉडुलेट करते हो या उसकी एक्टिविटी को चेंज करते हो बाय द प्लेसमेंट ऑफ सम ग्रुप्स थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड।
यानी आपके पास एक एंजाइम है और आप उस एंजाइम के ऊपर किसी ग्रुप को कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू या कोवलेंट ही अटैच करवा देते हो, और इस कोवलेंट अटैचमेंट के बाद उस एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी जो है वो कम या ज्यादा हो सकती है। तो इस केस में एलोस्टेरिक रेगुलेशन के केस में हमने कोवलेंट इंटरेक्शन स्टडी नहीं की, बल्कि यहाँ पे तो सीन ही अलग था। लेकिन जो कोवलेंट रेगुलेशन है इसमें आपके जो एंजाइम्स हैं उनमें प्रेजेंट अमाइनो एसिड्स की जो साइड चेन्स हैं वहां पे जाके ये कोवलेंट ग्रुप्स अटैच होंगे। हम इसके एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जो ग्लाइकोलाइसिस की एंड प्रोडक्ट है पायरोवेट डिहाइड्रो पायरोवेट नॉर्मली इसको एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है बाय एन एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज, बिकॉज वी ऑल नो कि पायरोवेट इटसेल्फ टीसीए साइकिल में एंटर नहीं हो सकती, और अगर हमने पायरोवेट को टीसीए साइकिल में एंटर करना है तो उसके लिए पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करना है। सो इस कन्वर्जन के लिए जो एंजाइमेटिक मशीनरी अवेलेबल है, द एंजाइम व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कन्वर्जन, द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है ताकि वो टीसीए साइकिल में रिलीज हो सके। सो यहाँ यू कैन ऑब्जर्व कि एक तरफ आपको जो ग्रीन कलर में एंजाइम दिखाया गया है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, इस पे किसी किस्म का कोई ग्रुप अटैच नहीं है, बट इसी एंजाइम के ऊपर एक काइनेज एक्टिविटी प्रेजेंट है। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि काइनेजेस ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम अ डोनर मॉलिक्यूल टू एन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। सो इस पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के साथ फर्दर दो प्रोटीन्स या फर्दर दो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज एसोसिएटेड है, ये इस एंजाइम के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ये जब आप बायोकेमिस्ट्री टू को डिस्कस करेंगे तो वहां पे इस कॉम्प्लेक्स की इस प्रॉपर्टी को या इस फीचर को भी देखेंगे कि इस एंजाइम में एंजाइमेटिक एक्टिविटी एक तो है कि ये पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है, इसके साथ साथ इसमें दो और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं, एक काइनेज एक्टिविटी है और एक फॉस्फेटेज एक्टिविटी है, और इन दो एक्टिविटीज का जो सोल पर्पस है वो इस पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करना है, यानी उसे एक्टिवेट या सुप्रेस करना है। सो पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज की जो काइनेज एक्टिविटी है, इस काइनेज एक्टिविटी को यूज करते हुए ये एक एटीपी मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करती है, उससे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोड्यूस करती है, और जो फॉस्फेट है उसको अल्टीमेटली अपने ही ऊपर अटैच करवा लेती है दिस पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आफ्टर द काइनेज एक्टिविटी आपका जो पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है उसके ऊपर फॉस्फोराइल ग्रुप जो है ये कोवलेंटली अटैच हो गया। सिमिलरली देयर इज अनदर एक्टिविटी पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज फॉस्फेटेज, इस एक्टिविटी को यूज करते हुए जो एंजाइम है वो इस फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करवा देता है और फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट से अपनी डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इस फॉस्फोराइलेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों एंजाइम ने अपने ऊपर इस फॉस्फेट ग्रुप को जो है वो कोवलेंटली अटैच करवाया है। सो दिस फॉस्फोराइलेशन इज फॉर द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम। नॉर्मली जो पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स हैं इनकी एक्टिविटी को कम या ज्यादा करने में ये फॉस्फोराइल ग्रुप जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल जब एंजाइम फॉस्फोराइलेटेड होगा तो फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम ज्यादा एक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। सो आपके पास जो है दो तरह की फॉर्म्स है, एक एक्टिव कंफर्मेशन है फॉस्फोराइलेटेड कंफर्मेशन, और दूसरी आपके पास इनएक्टिव कंफर्मेशन है डी फॉस्फोराइलेटेड कंफर्मेशन। इट मीन्स कि जब आपका ये एंजाइम अपनी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में आएगा तो इस एंजाइम के पास ये सिग्नल चला जाएगा कि अब मैं अपनी उस फॉर्म में प्रेजेंट हूँ, एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट हूँ, कि मैंने सब्सट्रेट के साथ बाइंड करना है और मैंने उसे प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। सिमिलरली जब ये डी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में जाएगा तो इस टाइम में ये अपनी इनएक्टिव कंफर्मेशन को अडॉप्ट कर लेगा। सो फ्रॉम हियर वी हैव स्टडीड वन पॉइंट के एंजाइम के ऊपर देर आर सम स्पेसिफिक ग्रुप्स जो कि कोवलेंटली अटैच हो सकते हैं, और इस अटैचमेंट की वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कम या ज्यादा हो सकती है। अब ये फॉस्फोराइल ग्रुप एंजाइम के ऊपर हर जगह के ऊपर अटैच नहीं हो सकता, बल्कि एंजाइम के ऊपर देयर विल बी सम स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज जहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोराइलेशन के लिए जो कंपेटेबल अमाइनो एसिड्स हैं ये OH कंटेनिंग या हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं, एंड वी नो के हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं तीन अमाइनो एसिड्स हैं सीरीन टायरोसिन एंड थ्रियोनिन। सो एंजाइम के ऊपर सीरीन टायरोसिन एंड थ्रियोनिन आर द साइट्स जहाँ पे जाके फॉस्फोराइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं। सो इस चीज को भी माइंड रखिएगा कि हमेशा फॉस्फोराइलेशन जो है
वो हर जगह पे नहीं हो सकती, बल्कि फॉस्फोराइलेशन के लिए एंजाइम के स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो है वो यूज होते हैं। सो फॉस्फोराइलेशन इज नॉट द ओनली वे जिसके थ्रू आप एंजाइम को एक्टिवेट या एंजाइम को सप्रेस कर सकते हो। फॉस्फोराइलेशन के अलावा बाकी ग्रुप्स भी हैं जिनको कोवलेंटली अटैच करवाने के बाद एंजाइमेटिक एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करवाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एडिनाइलेशन में आप एक एडिनाइल ग्रुप को एंजाइम के ऊपर कोवलेंटली अटैच करवा सकते हो। यूरिडाइलेशन के ऊपर आप यूरिडाइन ग्रुप के ग्रुप को जो है वो एंजाइम के ऊपर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड अटैच करवा देते हो। थ्रू दिस मैकेनिज्म यू कैन मॉड्यूलेट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। राइबोसाइलेशन के थ्रू, राइबोसाइलेशन में भी एडीपी राइबोसाइलेशन, यूडीपी राइबोसाइलेशन। सो ये आपके पास सिंपली ये सारे के सारे मैकेनिज्म्स हैं जिनको आप इन डिटेल कहीं ना कहीं बायोकेमिकल पाथवेज में ऑब्जर्व करोगे कि इन ग्रुप्स की अटैचमेंट की वजह से देयर आर सर्टेन एंजाइम्स जो कि अपनी इनएक्टिव कंफर्मेशन को या इनएक्टिव फॉर्म को छोड़ के एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन ग्रुप्स की अटैचमेंट की वजह से नॉर्मली जो एंजाइम पहले इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है वो एक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं। बट इट इज नॉट 100% केस कि आपके पास हमेशा जो है वो फॉस्फोराइलेशन की वजह से एंजाइम एक्टिवेट ही हो। देयर आर सम एंजाइम्स जिनमें फॉस्फोराइलेशन के बाद एंजाइम अपनी इनएक्टिव कंफर्मेशन में भी चला जाता है। सो हम इस चीज की अभी डेप्थ में नहीं जा रहे, आपको सिंपली सिर्फ ये पता होना चाहिए कि बाय द अटैचमेंट ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप एंजाइम अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं और अपनी एक्टिविटी को डिक्रीज भी कर सकते हैं। और इन ग्रुप्स में आपके पास फॉस्फोराइल ग्रुप, एडिनाइलेट ग्रुप, यू हैव राइबोसाइल ग्रुप एंड द मिथाइल ग्रुप, जिनकी अटैचमेंट की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी मॉड्यूलेट हो सकती है, यानी कम या ज्यादा हो सकती है। एंड ऑल दीज ग्रुप्स विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ कोवलेंट रेगुलेशन, बिकॉज यहाँ पे आप इन ग्रुप्स को कोवलेंटली एंजाइम्स के साथ अटैच करवा के एंजाइमेटिक एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करें। सो यू मस्ट हैव एन आइडिया बिटवीन कोवलेंट रेगुलेशन एंड एलोस्टेरिक रेगुलेशन के किस तरह से ये एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने में अपना रोल प्ले करते हैं। बच्चों इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप अभी से क्लियर कर लें, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन, फिर हम उसकी तरफ मूव करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हो। सो कोवलेंट रेगुलेशन और एलोस्टेरिक रेगुलेशन, इनको देख लीजिएगा, इनको डिफ्रेंशिएट करना है आप लोगों ने विद एग्जांपल। और ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बुक में अवेलेबल नहीं है, सो आई विल रिकमेंड कि इसके लिए आप स्लाइड, या वैसे अगर आप किसी दूसरी बुक को फॉलो करना चाहते हैं, इंटरनेट से हेल्प लेना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एंजाइम इनहिबिशन, किस तरह से आपने एंजाइम्स को इनहिबिट करना है, लाइक उनकी एक्टिविटी को कम करना है। इनहिबिशन के लिए एक मैकेनिज्म तो अभी हमने यहाँ पे देखा है एलोस्टेरिक रेगुलेशन का, जिसमें रिप्रेसर मॉलिक्यूल बाइंड करता है एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। अब हम यहाँ पे इनहिबिटर्स को स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज के थ्रू जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ एंजाइम, यानी ऐसे इनहिबिशन जिसको आप रिवर्स कर सकते हो, यानी एक खास पीरियड के लिए आपने एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक किया, उससे इनहिबिट किया, और जब आपको उस एंजाइमेटिक एक्टिविटी की दोबारा जरूरत पड़ी तो इनहिबिटर की जगह वहां पे आके एक्टिवेटर बाइंड कर दिया, यानी उस टाइम पे आपने इनहिबिशन को रिवर्स कर दिया। सो रिवर्सिबल इनहिबिशन एक टाइप है, और दूसरी टाइप है आपके पास इररिवर्सिबल इनहिबिशन, जिसमें एक दफा आपने एंजाइम को इनहिबिट कर लिया तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, फिर वो एंजाइम दोबारा अवेलेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इरिवर्सिबल इनहिबिशन और रिवर्सिबल इनहिबिशन को इनके नेम्स के थ्रू डिफरेंशिएट करोगे कि रिवर्सिबल इनहिबिशन के अंदर आपके पास जब कोई इनहिबिटर मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो ये बाइंडिंग परमानेंट नहीं होती, बल्कि इस बाइंडिंग को रिवर्स कर लिया जाता है। आपका एंजाइम जो है वो इनहिबिटर के साथ बाइंड करता है, उसको ब्लॉक कर देता है, इनहिबिटर मॉलिक्यूल एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, और फिर जब वो इनहिबिटर मॉलिक्यूल एंजाइम को लीव करेगा तो दोबारा एंजाइम अपनी एक्टिव कंफर्मेशन में चला जाएगा। इट मींस दैट दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इज रिवर्सिबल। जब इनहिबिटर मॉलिक्यूल आपका प्रेजेंट है तो उस टाइम पे आपका एंजाइम इनहिबिटेड है, एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, बट वंस द इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नो मोर देयर तो उस टाइम पे आपका एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिव कंफर्मेशन में आ गया, यानी इस केस में एंजाइम अपना जो कैटालिसिस है उसे मैक्सिमम तरीके से परफॉर्म कर देता है। So these type of inhibitor molecules are reversible inhibitor molecules.
रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को भी फर्दर हम जो है वो 3 to 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहली टाइप है कंपेटिटिव इनहिबिशन या कंपेटिटिव इनहिबिटर। कंपेटिटिव जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ कंपटीशन। अब ये कंपटीशन किस किस मॉलिक्यूल के दरमियान होना है, इस चीज को डिस्कस करने से पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। नॉर्मली आपके पास जो कंपेटिटिव इनहिबिटर्स हैं, कंपेटिटिव इनहिबिटर्स एंजाइम्स के साथ एक ऐसी साइट पे जाके बाइंड करते हैं जहां पे नॉर्मली सबस्ट्रेट ने बाइंड करना होता है। लाइक थ्रू दिस डायग्राम यू कैन सी कि द बाइंडिंग साइट फॉर द सबस्ट्रेट एंड द बाइंडिंग साइट फॉर द इनहिबिटर इज द सेम। एक ही साइट है जिसके ऊपर इनहिबिटर ने भी बाइंड करना है, जिसके ऊपर सबस्ट्रेट ने भी बाइंड करना है। तो ऑब्वियसली जब आपके पास कोई एक साइट होगी और उस साइट पे एक से ज्यादा मॉलिक्यूल बाइंड करने की कोशिश करेंगे तो उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कंपटीशन डेवलप होगा। सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे बाइंड करने की कोशिश करेगी और इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट की जगह लेने की कोशिश करेगी, यानी दोनों के दरमियान देयर विल बी अ सॉर्ट ऑफ कंपटीशन। और जो मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड कर जाएगा इट मीन्स कि वो अल्टीमेटली आपका जो रिएक्शन है उसको उस डायरेक्शन में लेके जाएगा। अगर तो इंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगी तो इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और फाइनली इंजाइम जो है वो प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा। लेकिन अगर इनहिबिटर की इनहिबिटर मॉलिक्यूल ने इंजाइम के साथ जो है वो बाइंड करने में सबस्ट्रेट को कम्पीट कर लिया है और उसने सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने दिया, यानी इंजाइम को यहीं से जो है वो इस डायरेक्शन में ले आया है कि इंजाइम के साथ इनहिबिटर मॉलिक्यूल बाइंड कर गया, तो इस केस में आपके पास इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा बल्कि यू विल एंड अप विद द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। और ऑब्वियसली इस केस में आपके पास प्रोडक्ट डेवलप नहीं होगा। तो इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स फॉर द सेम साइट। सो एंजाइम के जो सेम साइट है उसके ऊपर सबस्ट्रेट भी बाइंड कर सकता है, इनहिबिटर भी बाइंड कर सकता है एंड देयर विल बी द कंपटीशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर मॉलिक्यूल। जी वकार आपका क्वेश्चन है। मैम ये ब्लॉक कर उसको एंजाइम्स को। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। एक मिनट वकार का भी क्वेश्चन ले लें उसके बाद आपकी तरफ आते हैं। जी पूछे वकार क्या क्वेश्चन है आपका। मैम ये इनहिबिटर आए कहाँ से? इनहिबिटर आए कहाँ से हैं? मेटाबॉलिक सिस्टम्स के अंदर आपके पास जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस सर्टेन मॉलिक्यूल्स कैन एक्ट एज द इनहिबिटर। लाइक अभी जैसे मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले बात डिस्कस किया है कि आपके पास जो फीडबैक इनहिबिशन का मॉलिक्यूल है इसमें इस मेटाबॉलिक पाथवे की जो एंड प्रोडक्ट है इट कैन एक्ट एज द इनहिबिटर ऑफ द फर्स्ट एंजाइम। सो बॉडी के अंदर आपके पास सर्टेन मेटाबोलाइट्स हैं जो कि सर्टेन टाइप्स ऑफ एंजाइम्स की एक्टिविटीज को जो है वो इनहिबिट करने का पोटेंशियल रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर आपके पास जो है वो एनर्जी की अमाउंट कम हो रही है। एनर्जी कम होने का मतलब यह है कि एटीपी की अमाउंट कम हो गई है और आपकी बॉडी के अंदर एडीपी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। सो देयर आर सम एंजाइम्स जो कि एटीपी को एज एन एक्टिवेटर यूज करते हैं। सो जब एटीपी अवेलेबल होगा तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एटीपी नहीं होगा तो ये उनके लिए एक तरह का इनहिबिटर सिग्नल होगा। सो बॉडी के अंदर मल्टीपल जो आपके पास एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी सिग्नल्स हैं जिसमें एटीपी आ सकता है, एडीपी आ सकता है, सिमिलरली सर्टेन अदर टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल दे कैन एक्ट एज द इनहिबिटर्स। और नो डाउट ये इनहिबिटर सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मैम हाँ जी, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में मैम ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना? आपके पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में जब इनहिबिटर मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो उस केस में प्रोडक्ट नहीं बनेगी बिकॉज़ इनहिबिटर ने टेम्परेरी तौर पे एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसे ब्लॉक कर दिया और इस तरह से ब्लॉक कर दिया कि आप वहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड नहीं कर सकती और प्रोडक्ट को नहीं बना सकती। जब तक आप इनहिबिटर मॉलिक्यूल को एंजाइम की एक्टिविटी एक्टिव साइट से निकाल के बाहर नहीं करेंगे तब तक सबस्ट्रेट यहाँ पे आके बाइंड नहीं कर सकती। सो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। मैम तो ये फिर एंजाइम को कैसे पता चलेगा कि ये सबस्ट्रेट है या ये इनहिबिटर है? एंजाइम नॉर्मली जो है वो इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। आपके पास नॉर्मली जो है वो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अगर बाइंड करेगी तो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के बाद आपके पास हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है, ऐसे है ना? और ये बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के दरमियान जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसे रिड्यूस करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन को फिजिबल करती है। लेकिन जब एंजाइम जो है वो इनहिबिटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है तो
इस बाइंडिंग के बाद आपके पास जो है वो कोई ऐसा ग्रुप ही अवेलेबल नहीं है जिसको आगे इसने प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करना है. लाइक इनहिबिटर में वो फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है जिनके अंदर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके इसने प्रोडक्ट बनानी है. सो बेशक ये इनहिबिटर के साथ बाइंड करने का पोटेंशियल रहता है, बाइंडिंग में ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि ये सबस्ट्रेट है या इनहिबिटर है. लेकिन जब इसने कैटालिसिस करवानी है तो कैटालिसिस में तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जब खास किस्म के ग्रुप्स नहीं होंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो सब्सट्रेट प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं होगी. सो कैटालिसिस रुकेगी यहाँ पे, आपके पास जो है वो बाइंडिंग जो है वो इफेक्ट नहीं होगी. एंजाइम स्टिल जो है वो सब्सट्रेट और इनहिबिटर दोनों में से किसी के साथ भी बाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एंजाइम जो है वो सिर्फ इनहिबिटर के साथ बाइंड करेगा, ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल अगर इसी पॉइंट को हम थोड़ा सा इस तरह से डिस्कस करें, इसको मैं अगर पेंट के ऊपर ले दिया हूँ इस डायग्राम को, वहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, तो यू कैन सी कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है एंजाइम का वो डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर और द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इसकी ये इनहिबिशन रिवर्स भी हो सकती है. लाइक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से डिस्कस किया है कि दिस इज द टाइप ऑफ द रिवर्सिबल इनहिबिशन जिसको आप रिवर्स कर सकते हो, यानी जिसको आप चेंज कर सकते हो. सो अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट को डिस्कस करें, इस चीज को देखें, तो यू कैन सी हियर कि आपके पास जो एंजाइम है इस टाइम उसको सेम कंसंट्रेशन जो है वो अवेलेबल है सब्सट्रेट की भी और इनहिबिटर की. अगर आप यहाँ पे इनहिबिटर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाओगे तो ऑब्वियसली आपके पास जो चांसेस हैं एंजाइम के बाइंड करने के वो इनहिबिटर के साथ ज्यादा हो जाएंगे. बिकॉज आपके पास अगर सब्सट्रेट का एक मॉलिक्यूल है तो इनहिबिटर के चार मॉलिक्यूल है, सो यू हैव फोर टाइम्स मोर चांसेस के एंजाइम सब्सट्रेट के मुकाबले में इनहिबिटर को बाइंड करे और उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन है वो रुक जाए. सिमिलरली अगर आप इनहिबिटर मॉलिक्यूल की बजाय सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाओ तो अगेन यू कैन रिवर्स दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन. फॉर एग्जाम्पल आपने आपका एंजाइम जो है वो इनहिबिटर के साथ बाइंड कर रहा है, लेकिन अगर आप सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाओ तो बाय इंक्रीजिंग द सब्सट्रेट कंसंट्रेशन आपके पास जो चांसेस हैं एंजाइम के सब्सट्रेट के साथ बाइंड करने के वो ज्यादा होते जाएंगे और इनहिबिशन के चांसेस जो है वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे. तो यहाँ पे आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके पास स्लाइड्स में भी इस पॉइंट को मेंशन किया गया है कि दिस टाइप ऑफ द इनहिबिशन कैन बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द सब्सट्रेट कंसंट्रेशन. तो इस पॉइंट को आपने जस्टिफाई किस तरह से करना है कि सब्सट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने की वजह से बेसिकली हमारे पास चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं कि एंजाइम इनहिबिटर की बजाय सब्सट्रेट के साथ बाइंड करे. दैट्स व्हाई हम जो है यहाँ पे एंजाइम की जो है वो इनहिबिशन को रिवर्स कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट. क्लियर है बच्चों? जी मैम. ओके, सो यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व कि एंजाइम जो है दोनों को एज अ रिएक्टेंट या दोनों को एज अ सब्सट्रेट ही कंसीडर कर रहा होता है. सो एंजाइम नॉर्मली उस सब्सट्रेट के साथ इंटरेक्ट करना चाहेगा जिसकी कंसंट्रेशन केमिकल रिएक्शन के अंदर ज्यादा अवेलेबल है ताकि वो ज्यादा उस रिएक्टेंट के साथ बाइंड करके उसे प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सके. इस मोमेंट पे जब एंजाइम ने बाइंड करना है तब वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि जिस स्पीशी के साथ वो बाइंड करने जा रहा है वो सब्सट्रेट है या इनहिबिटर है. बाइंडिंग के बाद कैटालिसिस के टाइम उसे ये समझ में आएगी कि मैं इनहिबिटर के साथ बाइंड किया हूँ या सब्सट्रेट के साथ बाइंड किया हूँ. सो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जा रहे हो तो आपके पास जो चांसेस हैं एंजाइम के सब्सट्रेट के साथ बाइंड करने के वो कंपैरेटिवली इंक्रीज होते जाएंगे. सो अगर इस मोमेंट में आपका एंजाइम जो है वो स्टिल इनहिबिटर के साथ बाइंड कर गया है तो इस केस में ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन इनहिबिटेड ही रहेगा. लेकिन अगर आप सब्सट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाओगे तो आपके पास जो चांसेस हैं इनहिबिशन के वो कम होते जाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर प्रीवियसली आपके पास 50% चांसेस हैं एंजाइम के सब्सट्रेट के साथ बाइंड करने के और 50% चांसेस हैं इनहिबिटर के साथ बाइंड करने के, तो जैसे जैसे आप सब्सट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाओगे, बिकॉज वी ऑल नो कि एंजाइम का जो रिएक्शन है वो सब्सट्रेट और एंजाइम के दरमियान इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है. So by increasing the substrate concentration, the probability of interaction between enzyme and substrate will be increased
और ऑब्वियसली आपके पास जो कैटालिसिस है उसके चांसेस भी इंक्रीज होंगे। मैं अभी ये नहीं कह रही कि आपके पास जो एंजाइम है वो कम्प्लीटली तौर पर इनहिबिटर के साथ बाइंड करना छोड़ देगा, लेकिन यहाँ पे उसकी जो इनहिबिशन है उसके चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे, चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। क्लियर है जी मैम? यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व कि आपका जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड क्यों कर रहा है, बिकॉज एंजाइम की जो नॉर्मल सब्सट्रेट है और जो कम्पेटिटिव इनहिबिटर है इन दोनों की शेप्स ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं, बिकॉज दे हैव द कम्पेटिबिलिटी विद द सेम साइट। सो जब भी आपने कम्पेटिटिव इनहिबिशन की बात करनी है तो इसमें आपने इस कम्पिटिशन को जरूर डिस्कस करना है कि यहाँ पे इनहिबिटर और जो बाकी मॉलिक्यूल है, जो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है, दे आर कम्पीटिंग फॉर द सेम साइट। इन्होंने एक ही साइड के ऊपर बाइंड करना है और उस साइड पे बाइंड करने के लिए इनके दरमियान कंपटीशन है। जो मॉलिक्यूल पहले जाके बाइंड कर लेगा वो एंजाइम को उस डायरेक्शन में ले जाएगा। अगर वो सब्सट्रेट है तो वो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा और ऑब्वियसली प्रोडक्ट मिल जाएगी, और अगर इनहिबिटर बाइंड करेगा तो वो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना देगा और इस कॉम्प्लेक्स में एंजाइम जो है वो लॉक हो जाता है, वो फर्दर कैटालिसिस परफॉर्म नहीं कर सकता। सो कंपेटिटिव इनहिबिशन के बाद जो नेक्स्ट आपके पास सेकंड टाइप है, दिस इज नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी किस्म का कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका इनहिबिटर मॉलिक्यूल है वो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पे बाइंड नहीं करेगा, बल्कि सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के अलावा जो एंजाइम के अंदर सेकेंड साइट अवेलेबल है वहां पे जाके बाइंड करेगा। सो यहाँ पे आप नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर को एलोस्टेरिक रेगुलेशन की तरह से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी ये दोनों ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर थिंग्स हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एलोस्टेरिक इनहिबिशन है उसको आप नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन। अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि एलोस्टेरिक इनहिबिशन कंपेटिटिव इनहिबिशन की टाइप है या नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन की टाइप है, तो यू मस्ट हैव एन आइडिया कि कंपेटिटिव इनहिबिशन हमेशा तभी होगा जब एंजाइम और इनहिबिटर मॉलिक्यूल जो है दे आर कम्पीटिंग फॉर द बाइंडिंग फॉर द सेम साइट। जबकि आपके पास जो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर है, यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व कि एंजाइम की जो सब्सट्रेट के साथ बाइंडिंग साइट है वो डिफरेंट है और इनहिबिटर के साथ जहाँ से ये बाइंड करता है वो साइट डिफरेंट है। सो व्हेन एन एंजाइम विल बाइंड विद द सब्सट्रेट, सब्सट्रेट के साथ बाइंड करने के बाद वो उसे प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करेगा, लेकिन जब एंजाइम इनहिबिटर के साथ बाइंड करेगा तो द बाइंडिंग विद द इनहिबिटर विल ब्रिंग अबाउट अ कंफर्मेशनल चेंज इन एंजाइम। इस कंफर्मेशनल चेंज की वजह से यू कैन सी हियर कि सब्सट्रेट अब एंजाइम के लिए एफिनिटी नहीं रख रही। So, इस तरह के इनहिबिशन में जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है उसने अपना काम पूरा किया, यानी उसने एंजाइम को इनहिबिट किया, लेकिन उस काम को करने के लिए वो सब्सट्रेट के साथ कंपीट नहीं की, उसने सब्सट्रेट बाइंडिंग साइट को जाके टारगेट नहीं किया, बल्कि उसने सब्सट्रेट बाइंडिंग के अलावा एक और साइट पे जाके बाइंड किया है और उस बाइंडिंग की वजह से एंजाइम की शेप को इस तरह से चेंज कर दिया कि नाउ इट कैन नॉट बाइंड विद द सब्सट्रेट। और अगर एंजाइम सब्सट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगा, इट मीन्स के एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनेंगे, और अगर एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनेंगे, इट मीन्स के आपका एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चों? सो ये आपका जो एलोस्टेरिक इनहिबिशन है उसी की एक आप इसको जो है वो एक्सटेंशन कह सकते हैं, या उसी को हम जो है वो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर भी कहते हैं। सो कम्पिटेटिव इनहिबिशन एंड नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन, इनमें डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? No, ma'am. Okay. So next आपके पास जो inhibition है, the next type of the inhibition, it is uncompetitive inhibition. अब इनके names के through I will recommend कि आप यही इसी lecture में जो आपके जो key points हैं इनको pick करते जाएं कि competitive inhibition क्या है, non-competitive inhibition क्या है और uncompetitive inhibition या uncompetitive inhibitors क्या होते हैं। So competitive में हमने एक चीज देखी कि enzyme के साथ साथ इनहिबिटर भी जो है वो सब्सट्रेट बाइंडिंग साइट पे बाइंड करता है, यानी एक साइट है जहाँ पे एंजाइम भी सब्सट्रेट भी बाइंड कर सकता है, इनहिबिटर भी बाइंड कर सकता है, एंड देयर इज अ कंपटीशन। यहाँ पे आपका जो फ्री एंजाइम है, जो एंजाइम अभी सब्सट्रेट के साथ बाइंड नहीं किया, इनहिबिटर उसको टारगेट करता है जाके और उसकी सब्सट्रेट के साथ जो बाइंडिंग है उसको इफेक्ट कर देता है, उसको कम कर देता है। सेकेंड केस में हमने देखा कि एंजाइम जो है वो इसी तरह से वर्क कर रहा है, एंजाइम जो है वो इनहिबिटर के साथ बाइंड करता है और इस बाइंडिंग की वजह से उसकी सब्सट्रेट के साथ एफिनिटी कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर में इस काम को करने के लिए जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है वो सब्सट्रेट की बाइंडिंग साइट को यूज नहीं करता, बल्कि सब्सट्रेट की बाइंडिंग साइट के अलावा एक साइट है जहाँ पे जाके ये बाइंड करेगा और एंजाइम की सब्सट्रेट के लिए जो एफिनिटी है उसे क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा।
अनकम्पेटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, अनकम्पेटिटिव इनहिबिटर में आप देखेंगे कि इसकी नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर के साथ एक तरह की सिमिलैरिटी है कि यहाँ पे भी आपका जो इंजाइम है इसके ऊपर एक ऐसी साइट है इनहिबिटर के लिए जो कि सबस्ट्रेट की साइट से डिफरेंट है. लाइक यू कैन सी हेयर कि इंजाइम के पास अगेन दो बाइंडिंग साइट्स हैं, एक साइड के ऊपर इंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा और दूसरी साइड के ऊपर इनहिबिटर बाइंड करेगा. प्रीवियस केस में जो कम्पिटेटिव इनहिबिशन थी उसमें आपने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि इंजाइम के साथ इनहिबिटर मॉलिक्यूल अटैच हो गया था उसके सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्शन डेवलप होने से पहले, यानी जो आपके पास कम्पिटेटिव इनहिबिटर थे वो इस केस में फ्री इंजाइम को टारगेट करते थे, ऐसा इंजाइम जो कि सबस्ट्रेट के साथ बाउंड नहीं है. जबकि अनकम्पेटेटिव इनहिबिटर में आप ऑब्जर्व करें कि इंजाइम पहले सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आपका जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है वो इस इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा और इंजाइम सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स को जनरेट कर देगा और फाइनली आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिवेलप नहीं होगी. यानी इस केस में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है ये फ्री इंजाइम के साथ बाइंड नहीं करता. जैसे आपने पीछे नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर में डिस्कस किया कि इंजाइम अभी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं किया, स्टिल आपका जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है उसने इंजाइम को पिक कर लिया. लेकिन इस केस में यू कैन सी कि आपका जो इंजाइम है उसकी सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग होना जरूरी है. पहले इंजाइम सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसके बाद इंजाइम जो है वो इनहिबिटर के साथ इंटरेक्ट करेगा और फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा. यानी इस केस में आपका जो अनकम्पिटेटिव इनहिबिटर है वो इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करके उसको इस कंफर्मेशन में लॉक कर देता है कि इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बनता है लेकिन आगे जो कैटालिसिस होनी है, जो इंजाइम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होनी है उसको ब्लॉक कर देता है और प्रोडक्ट को रिलीज नहीं होने देता. यानी इस केस में आपका जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है उसको बाइंड करने के लिए इंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना जरूरी है. अब इसमें हम ये भी जस्टिफिकेशन ले सकते हैं कि इंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग की वजह से जो उसकी इनहिबिटर के लिए एफिनिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. यानी प्रीवियसली इनहिबिटर मॉलिक्यूल इंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर सकता लेकिन जब इंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इस केस में इनहिबिटर की जो एफिनिटी है वो इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो है वो ज्यादा होगी. ये आगे बाइंड करेगा और इंजाइम को इसी कंफर्मेशन में लॉक कर लेगा, यानी मजीद जो कैटालिसिस है उसे नहीं होने देगा. सो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन और अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, इसमें अभी आप लोग डिफ्रेंशिएट करें और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई पॉइंट आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है तो उसे क्लियर करें. इसके बाद फाइनल हमारे पास जो है इनहिबिशन की कैटेगरी है मिक्स्ड इनहिबिशन, उसको हम डिस्कस करते हैं. जी बच्चों, इन तीनों टाइप्स को देखें और मुझे बताएं कि इन तीनों में जहाँ पे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करें अभी. जी बच्चों बताएं, कोई क्वेश्चन है तो. Yes or no? No, ma'am. No. Okay. So final जो आपके पास type है, this is the mixed inhibition. Mixed inhibition हम इसे क्यों कह रहे हैं? यहाँ पे आपको इसका जो है inhibition का mechanism देखकर समझ में आ जाएगी कि इससे पहले हमने जब competitive inhibition की बात की तो हमने कहा कि inhibitor molecule free enzyme के साथ bind करता है और उसे एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है. जब हमने नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की बात की तो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर में भी हमने कहा कि आपका जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है वो फ्री एंजाइम के साथ बाइंड करता है और उस एंजाइम की जो सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी है उसे कम कर देता है. अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर में जाके हमने कहा कि इस केस में आपका जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है वो सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है और इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को एंजाइम सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती. यानी प्रीवियस केसेस में आपने इन ये जो दो मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस किए हैं इसमें से कोई एक मैकेनिज्म को एट अ टाइम ऑब्जर्व किया, लेकिन मिक्स्ड इनहिबिशन में आप इन दोनों मैकेनिज्म को, दोनों इनहिबिटरी मैकेनिज्म को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व कर रहे हैं. यानी दीज आर द टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स व्हिच कैन बाइंड विद द फ्री एंजाइम
एज वेल एज विद द एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स. यानी ये इनहिबिटर मॉलिक्यूल फ्री एंजाइम के साथ भी बाइंड कर सकते हैं और फ्री एंजाइम के साथ बाइंड करने के बाद उसे एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. स्टिल द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स कैन बाइंड विद द सब्सट्रेट और वो एंजाइम इनहिबिटर एंड सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो सकता है. यानी इनहिबिटर ने सब्सट्रेट के लिए जो एफिनिटी है उसे रिड्यूस नहीं किया. जैसे आपने पीछे नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन में ये चीज देखी थी कि अगर इनहिबिटर मॉलिक्यूल जो है वो सब्सट्रेट के बाइंड करने से पहले एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है. यहाँ पे कि अगर इनहिबिटर मॉलिक्यूल सब्सट्रेट के बाइंड करने से पहले एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है तो वो एंजाइम के अंदर ऐसे कन्फर्मेशनल चेंजेस लेके आता है कि सब्सट्रेट मजीद जो है वो उस एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करती. जबकि मिक्स्ड इनहिबिशन में ऐसा नहीं है. मिक्स्ड इनहिबिशन में आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपका इनहिबिटर मॉलिक्यूल जब एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो इस बाइंडिंग की वजह से स्टिल एंजाइम कैन बाइंड विद द सब्सट्रेट. यानी इनहिबिटर की वजह से जो कन्फर्मेशनल चेंजेस आए हैं उन कन्फर्मेशनल चेंजेस ने एंजाइम की सब्सट्रेट के लिए एफिनिटी को इंक्रीज कर दिया. सो एंजाइम स्टिल कैन बाइंड विद द सब्सट्रेट. लेकिन जब एंजाइम जो है वो सब्सट्रेट के साथ बाइंड करेगा तो इनहिबिटर कैटालिसिस को ब्लॉक कर देगा. इनहिबिटर जो है वो इस सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं होने देगा. सो नो डाउट इसने सब्सट्रेट के लिए एफिनिटी को इंक्रीज किया. लेकिन उस एफिनिटी को इंक्रीज करने के पीछे भी एक लॉजिक थी और वो लॉजिक क्या थी कि एंजाइम ये चाह रहा था कि वो सब्सट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड करे. सॉरी इनहिबिटर यहाँ पे ये चाह रहा था कि वो सब्सट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड करे और फिर उसे लॉक कर दे, उसे प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म ना होने दे. तो यहाँ पे उसने इस तरह से इनहिबिशन करा लिया. तो ये वो मैकेनिज्म है जिसमें आपका इनहिबिटर फ्री एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है और उसकी सब्सट्रेट के साथ इंटरेक्शन करवा रहा है और उसको एंजाइम इनहिबिटर एंड सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करा रहा है. सेकेंड रूट जो इस इनहिबिटर को अवेलेबल है वो ये है कि सबसे पहले आपका जो एंजाइम है वो सब्सट्रेट के साथ बाइंड करे और सब्सट्रेट के साथ बाइंडिंग के बाद आपका इनहिबिटर मॉलिक्यूल जो है वो इस एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स को अप्रोच करे और इसको जो है वो एंजाइम सब्सट्रेट और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करे. सो दोनों केसेस में आपके पास जो एंड इफेक्ट है वो ये है कि एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा. यानी अल्टीमेटली आपका जो एंजाइम है वो ब्लॉक हो जाएगा. एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो टेम्परेरी तौर पे जितनी देर के लिए इनहिबिटर यहाँ पे प्रेजेंट है उतनी देर के लिए इस एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाएगी. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स जिनकी एक्टिविटी को रिवर्स किया जा सकता है. यानी जितनी देर के लिए इनहिबिटर बाइंड करेगा ये अपनी एक्टिविटी अपनी जो कैटालिसिस है उसे रोक लेंगे. लेकिन जैसे ही इनहिबिटर एंजाइम को लीव करेगा इनहिबिटर यहाँ से निकल जाएगा तो आपके पास जो नॉर्मल जिस तरह से केमिकल रिएक्शन होता है उसी तरह से ये एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे. सो इन चार टाइप्स को बड़े ध्यान से इनके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पे डिफरेंस आप ऑब्जर्व करें इसको पढ़ के तो अपने की नोट्स बना के अपने पास रखिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लोगों से किसी एक टाइप को पूछा जाए तो आप बाकी टाइप के साथ उसे कन्फ्यूज ना दें. तो फाइनल जो टाइप है आपके पास इररिवर्सिबल इनहिबिशन की. इररिवर्सिबल इनहिबिशन में आपने क्या किया कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसमें इनहिबिटर कोवलेंटली अटैच हो गया और हमें पता है कि इस कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना जो है वो कंपैरेटिवली मुश्किल है. तो अगर आपके पास जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उस पर कुछ इनहिबिटर मॉलिक्यूल वाया कोवलेंट बाइंड कोवलेंट बॉन्ड जो है वो परमानेंटली अटैच हो जाए इट मींस कि सब्सट्रेट ने अपनी एफिनिटी जो है वो इस एंजाइम के लिए उसे परमानेंटली लूज कर दी. क्योंकि इनहिबिटर यहाँ से अटैच नहीं हो रहा उसने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया है. सो एंजाइम इज नो मोर अवेलेबल फॉर द कैटालिसिस. सो रिवर्सिबल इनहिबिशन आपके पास ऐसी इनहिबिशन है जिसमें इनहिबिटर मॉलिक्यूल थोड़ी देर के लिए एंजाइम के साथ बाइंड करता है और फिर एंजाइम को लीव कर देता है. लेकिन इररिवर्सिबल इनहिबिशन की वो टाइप है जिसमें एंजाइम जो है वो इररिवर्सिबली जो है वो सब्सट्रेट के साथ सॉरी इनहिबिटर के साथ बाइंड कर जाता है और इस केस में उसकी सब्सट्रेट के लिए जो बाइंडिंग है वो इम्पॉसिबल हो जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम उनकी रेगुलेशन और उनके जो फैक्टर्स हैं. सो इन लेक्चर्स को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा बिकॉज आप लोगों का मैं यही सोचूं कि एंजाइम के पूरे चैप्टर का ब्रीफ एक साथ ले लिया है. तो कैटालिसिस तक आप लोगों को चैप्टर में से जो नोट्स हैं उनसे हेल्प होगी. लेकिन आज का जो लेक्चर है ये आप लोगों को स्लाइड्स और इंटरनेट से अगर कोई हेल्प लेना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप स्लाइड से करना चाहते हैं तो सब तो यहाँ से आप उसे कीजिएगा लेकिन इसे पढ़िएगा जरूर. तो बच्चों यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन अगर किसी को तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं.